हरिओम शंकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय। आज हम इस्लामी तंत्र पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस्लाम तंत्र शास्त्र अपने आप में बृहद तंत्र शास्त्र है, प्रभावी तंत्र शास्त्र है, असरकारक तंत्र शास्त्र है। इसका बहुत जल्दी असर होता है, तेज असर होता है और कई बार यह बगैर उच्च कोटि की साधना वालों के कटता भी नहीं है। इसके कुछ नियम, तो सारे नियम विधान प्रावधान ये सब बताने से पूर्व या बताना उचित नहीं होगा, तो इसका दुरुपयोग संभव है। अतः मैं इसे एक पद्धति के ही तहत यहाँ पर चर्चा में आपसे बांटता हूँ और इसकी अपने हिसाब से वर्णन करता हूँ और इसमें बीच बीच में कई मंत्र आएंगे जो कि अलग अलग प्रभाव और अलग अलग करिश्मे के लिए रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी विद्वान फकीर से या साधक सिद्ध फकीर से आप मिलेंगे तो आप इनका अर्थ निकलवा सकेंगे और इनके फायदे और नुकसान आदि जान सकेंगे, क्योंकि इसमें जो सारे मंत्र फारसी में है तो फारसी भाषा में पूरा चलता है ये, तो इसमें किसी को कुछ लाभ प्राप्त करना है या किसी को कुछ हानि पहचानी है तो किसी विद्वान फकीर से या सिद्ध फकीर से इस संबंध में हमारी इस सीडी डीवीडी का उनको सुनवा करके आप उनका अर्थ या व्याख्या जान सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्ला मुहम्मदिन व अल्ला आलेही मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अल्ला वाले आलेही मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्ला मुहम्मदिन व अल्ला आलेही मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्ला मुहम्मदिन व अल्ला आलेही मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्ला मुहम्मदिन व अल्ला आलिहि मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्ला मुहम्मदिन व अल्ला आलिहि मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्ला मुहम्मदिन व अल्ला आलिहि मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक्के इस्काइकल व सिफातिकल उलिया या रज्जाकु या समीउ अंतक दो हाजतु अक्सतु अलैकुम या अय्यो हलूम लायकतिल मवक्किल तो अलहाजिल हुरु हित्ता मात ताहिरात या दर्दायलो या किलकायलो बिहक के सैयद
अमीनिकुम अल अजियत नहायुसो इन्नमा अमरुह इजा आरदा शय्यन अनैकूलो लहू कुन यफ कुनफ सुवान अल्लाह जी। ये यद्दहिन कुत्तो कुल्लश आइन अल्ले हेतुर्जाऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह मोहम्मद व अल्लाह आलेही मोहम्मद मुबारक वसल्लम। ये तो शुरुआत है, अभी शुरुआत के बाद भी आगे फिर अलिफ या अल्लाह या इसराफील, या इसराफील बहक या अलिफ या अल्लाह, या सलाम अलैकुम या इसराफील बहक या अलिफ या अल्लाह, या इसराफील बहक या अलिफ या अल्लाह, या इसराफील बहक या अलिफ या अल्लाह। आज वो या इसराफील बहक या अलिफ या अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या इसराफील बहक या अलिफ या अल्लाह। बिस्मिल्लाह ला खैर खिलकी मोहम्मद व आलही अजमईन। ये अलिफ का मंत्र कहलाता है। और मंत्र जब ये पूरा हो जाए, उसकी एक संख्या निर्धारित, नित्य 1,000 उसका पाठ चार, उसके बाद फिर 11-11 बार फिर निम्न मंत्र उच्चारण करना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। या इसराफील बहक या अलिफ या अल्लाह हो, मुझे धन और दौलत दे या बुद्धू। या इसराफील बहक या अलिफ या अल्लाह हो, मुझे धन और दौलत दे या बुद्धू। ये अलिफ का मंत्र है, धन धान्य समृद्धि की वृद्धि और वैश्वत बरकत और आपकी अजमत बढ़ती इससे। और इसके बाद में हम इसके बाद में बताना चाहेंगे कि कुछ अक्षर मंत्र होते हैं। तो कुछ अक्षर मंत्रों में बहुत से मंत्र हैं जो कि हमारे यहाँ पर जैसे सनातन धर्म में उनको बीज मंत्र कहते हैं, ऐसे इस्लाम में अक्षर मंत्र होते हैं। तो इन अक्षर मंत्रों के हरेक के अलग अलग असरात हैं, अलग अलग सबके फरकात हैं। तो उनके सबके अलग अलग से जाप करके उनको अलग अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सनातन धर्म में बीज मंत्र रहते हैं हर किसी के, उसी प्रकार यहाँ पर अक्षर मंत्र होते हैं। तो उन अक्षर मंत्रों की सिद्धि अलग से की जाती है, जिसे हम यहाँ उच्चारण नहीं कर रहे हैं। और इसमें दो चीजें होती हैं, मंत्र भी होते हैं नक्श भी होते हैं। नक्श यंत्रों को बोलते हैं, सनातन धर्म में यंत्र चलते हैं, यहाँ नक्श होता है। नक्श और यंत्र एक जैसी चीजें हैं, थोड़े से बस फर्क ये आ जाते हैं कि वहां अंक फारसी के बन जाते हैं और वहां अंक अपनी जो देवनागरी भाषा है सनातन धर्म की, उसके तहत रहते हैं। अब जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसका उच्चारण किया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर इसके बाद 1,200 बार जैसे एक मंत्र जाप किया जाए,
या कबीयो या गुनीयो या मलियो या बकियो। तो इसके आदि तथा अंत में 21-21 बार दरुद का पाठ भी करना चाहिए। तो ऐसे प्रयोग को निरंतर 40 दिनों तक करते रहने से दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि इस प्रयोग को प्रतिदिन किया जाए तो दरिद्रता से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अन्य कुछ काम के मंत्र हैं, उनका नहीं बताऊंगा किस लिए है, लेकिन अच्छा कर रहा हूं यहाँ पर। या बुद्धू या हयो या कयूमो या अल्लाहो या फर्दो या बितरो या समदो या रहीमो या वारिसो या अहदो या लमैलिदो बलम युलद बलमय कुन लू कुफवन अह या गफूरो या गफूरो बिस्मिल्लाह रहमान निर्रहीम या इसराफिल वक्त या अल्लाह हो अल्लाह हुस्न सल्ला मोहम्मद नब तारक नसल्लम। ये कुछ मंत्र हैं। आप एक नक्श के साथ में मंत्र इस्तेमाल करते हैं तो गुरुजी के लिए रहता है, उसके साथ में नक्श होना जरूरी है। नक्श के सामने उसको 4444 बार या 3333 बार पढ़ना चाहिए। मंत्र है अजीबो या जिब्राइल बहक या वासितो, और वो उसके साथ जो वो है अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह मोहम्मद अल्लाह अल मोहम्मद वबारिक वसल्लम, ये जो है तो के लिए है। अब मैं सीधे आता हूँ कुछ विशेष मंत्रों पर, विशेष चीजों के लिए रहते हैं, बाकी तो नक्शों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर किसी और भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये मंत्र ऐसे हैं जो कि सनातन धर्म में भी चलते हैं और वो मुसलमान में भी चलते हैं, क्योंकि कई जगह पर ओम शब्द भी आ जाता है इसमें, गुरु पुरो मंत्र ईश्वर वाचा वगैरह आते हैं, तो कई जगह पर मुसलमानी और वो इस्लामी शब्द आते भी इसमें। तो ये क्या है कि जैसे लाल किताब का वो है कि लाल किताब फारसी में लिखी गई, और लाल किताब के पूरे जो टोटके हैं या पूरा जो उसमें प्रयोग है या उसमें जो साधन और विधि बताई गई है उपाय वो सब फारसी में है, लेकिन लिखी वो एक पंडित जी ने है। इसी प्रकार से ऐसे ही मंत्र हैं ये कुछ। तो ओम नमो सात समुद्र के बीच शिला जिस पे सुलेमान पैगंबर बैठा, सुलेमान पैगंबर के चारों दिक चार मवक्किल तारिया सारिया जारिया जमारिया, एक मवक्किल पूरब को धाया देव दानवों को बांध लाया, दूसरा मवक्किल पश्चिम को धाया भूत प्रेत को बांध लाया, तीसरा मवक्किल उत्तर को धाया आउत पितर को बांध लाया, चौथा मवक्किल दक्षिण को धाया डाकिनी शाकिनी को पकड़ लाया, चार चार मवक्किल 34 धावे छल छिद्र को रहने न पावे, रोग दोष सब दूर बहावे, शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्री ईश्वर वाचा। देखिए मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूं, काम का मंत्र है और आप इसको सुनते भी रहेंगे या बजाते रहेंगे तो भी ठीक रहेगा, काम रहेगा। और इसमें वैसे तो काले जादू में इस मंत्र को प्रयोग किया जाता है, अधिकतर लोग काले जादू में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सुनते भी रहेंगे तो रक्षा बनी रहेगी काले जादू से। ओम नमो सात समुद्र के बीच शिला जिस पे सुलेमान पैगंबर बैठा, सुलेमान पैगंबर के चारों दिक चार मवक्किल तारिया सारिया जारिया जमारिया, एक मवक्किल पूरब को धाया देव दानवों को बांध लाया, दूसरा मवक्किल पश्चिम को धाया भूत प्रेत को बांध लाया, तीसरा मवक्किल उत्तर को धाया उत्तर पितर को बांध लाया, चौथा मवक्किल दक्षिण को धाया डाकिनी शाकिनी को पकड़ लाया, चार चार मवक्किल 34 धावे छल छिद्र को रहने न पावे, रोग
रोग दोष सब दूर बहावे, शब्द साचा पिंड कांचा, पुरो मंत्री सरोवाचा। तो ये है, अब दूसरा और है इसके बाद में, तो अब उसको मैं पाठ कर रहा हूं। ओम नमो बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम, गजनी सो चला मोहम्मद आपी, चला चला सवा शेर का तोला, खाए असी को उसका धावा जाए, सफेद घोड़ा सफेद पलान, जा पे चढ़ा मोहम्मदा जवान, 900 कुत्तक आगे चले, 900 कुत्तक पीछे चले, कांधा पीछे भारत डाला, दियाया चले चाल चाल रे मोहम्मदा पी, तेरे सम नहीं कोई भी, हमारे चोर को लिया, सात समुद्र की खाई सो लिया, ब्रह्मा के वेद सो लिया, काजी की कुरान सो लिया, 18 पुराण सो लिया, जाओ जाओ जहां हो जहां तहां सो ला लिया, जहां जहां होए तहां सो लिया, हो गढ़ा सो पर्वत सो कूट सो किला सो लिया, मोहल्ला गली सो लिया, कूचा चौराहा सो लिया, श्वेत खाना सो लिया, बारह आभूषण सोलह सिंगार सो लिया, काजल कजरोटा सो लिया, मढ़ी की मोठ सो, हाट बाजार सो लिया, खाट सो पाया सो, नौ नाड़ी 72 कोटा की घूमती बलाय सो लिया, हाजिर करो हाड़ हाड़ चाम चाम, निक निक रोम रोम सो लिया, रेताया सिलार जिंद पीर, मार तो पीट तो तोड़ तो पछाड़ तो, हाथ हथकड़ी पांव बेड़ी, गला पे मैं तो उल्टा कब्जा चढ़ाए, मुख बुलाए सीम सिखा खिलाए, कैसे कैसे हूं लिया, बिन लिए मता, ओम नमो आदेश गुरु को। अब इसको मैं दोबारा से उच्चारण कर रहा हूं। ओम नमो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गजनी सो चला मोहम्मदा पी, चला चला सवा शरीर का तोला, खाए अस्सी को उसका धावा जाए, सफेद घोड़ा सफेद पलान, जा पे चढ़ा मोहम्मदा जवान, 900 कुत्तक आगे चले, 900 कुत्तक पीछे चले, कांधा पीछे भारत डाला, दिहाया चले चाल चाल रे मोहम्मदा पी, तेरे सम नहीं कोई भी, हमारे चोर को लियाओ, सात समुद्र की खाई सो लियाओ, ब्रह्मा के वेद सुन लियाओ, काजी की कुरान सुन लियाओ, 18 पुराण सुन लियाओ, जाओ जाओ जहां 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 होए तहां सो, गड़ा सो पर्वत सो कोट सो किला सो लिया, मोहल्ला गली सो लिया, कूचा चौराहा सो लिया, श्वेत खाना सो लिया, बारह आभूषण सोलह सिंगार सो लिया, काजल कजरोटा सो लिया, मढ़ी की मोठ सो, हाट बाजार सो लिया, खाट सो पाया सो, नौ नाड़ी 72 कोटा की घूमती बलाय सो लिया, हाजिर करो हाड़ हाड़ चाम चाम, निक 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 सिख रोम रोम सो लिया, रेताया सिलार जिंद पीर, मार तो पीट तो तोड़ तो पछाड़ तो, हाथ तकड़ी पांव मेड़ी, गला में तो उल्टा कब्जा चढ़ाए, मुख बुलाए सीम खिलाए, कैसे कैसे हूं लिया, बिन लिए मता, ओम नमो आदेश गुरु को। ओम नमो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गजनी सो चला मोहम्मदा पी, चला चला सवा शेर का तोला, खाया सी को उसका धावा जाए, सफेद घोड़ा सफेद पलान, जा पे चढ़ा मोहम्मदा जवान, 900 कुत्तक आगे चले, 900 कुत्तक पीछे चले, कांधा पीछे भारत डाला, जाया चले चाल चाल रे मोहम्मदा पी, तेरे सम नहीं कोई भी, हमारे चोर को लियाओ, सात समुद्र की खाई सो लियाओ, ब्रह्मा के वेद सो लियाओ, काजी की कुरान सो लियाओ, 18 पुराण सो लियाओ, जाओ जाओ जहां जहां होए तहां सो, गढ़ा सो कब पर्वत सो कूट सो किला सो लिया, मोहल्ला गली सो लिया, कूचा चौराहा सो लियाओ, शेठ खाना सो लियाओ, बारह आभूषण सोलह सिंगार सो लियाओ, काजल कजरोटा सो लियाओ, मढ़ी की मोठ सो, हाट बाजार सो लियाओ, खाट सो पाया सो, नौ नाड़ी 72 कोठा की घूमती बलाय सो लिया, हाजिर करो हाड़ हाड़ चाम चाम, निक सिक रोम रोम सो लिया, रेताया सिलार जिंद पीर, मार तो पीट तो तोड़ तो पछाड़ तो, हाथ हथकड़ी पांव बेड़ी, गला में तो उल्टा कब्जा चढ़ाए, मुख बुलाए सीम खिलाए, कैसे कैसे हूं लिया, बिन लिए मता, ओम नमो आदेश गुरु को। ये कुछ मंत्र थे, इसके बाद में आगे के मंत्र हम आगे बताते हैं आपको। हम जो गंडा दिया जाता है या गड़ा बोलते हैं इसको, उसका एक मंत्र पढ़ते हैं यहां पर इस्लामी तंत्र के अनुसार। बंद तो बंद मौला मुर्तजा अली का बंद, कीड़े और मकोड़े का बंद, ताप और तैयारी का बंद, जूड़ी और बुखार का बंद, नजर और गुजर का बंद, दीठ और मूठ का बंद, किए और कराए का बंद, भेजे और भेजाए का बंद, नावत पर हाथन का बंधन बंद, तो बांध मौला मुर्तजा अली का बंद,
राह और बाट का बंध, जमीन और आसमान का बंध, घर और बाहर का बंध, पवन और पानी का बंध, कुआ और पनिहारी का बंध, लौ और कलम का बंध, बंद तो बंद मौला मुर्तजा अली का बंध। इसमें रोगी को एड़ी से चोटी तक डोरे से नाप कर, काले डोरे से, इस मंत्र से उसमें सात गांठें लगानी चाहिए तथा सवा पाव मिठाई मंगा कर मुर्तजा अली के नाम से बालकों में बांट देना चाहिए। फिर ये जो गंडा बने या गड़ा बने उसको लोबान की धुनी देकर रोगी गले में बांध देना चाहिए। तो सभी प्रकार के जो पिए कराए होंगे या बीमारी होंगे या उल्टे सीधे परेशानी शरीर में आती होंगी या कोई करता होगा या फेंकता होगा वो सब तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो ये एक काम की चीज है, मैंने आपको बताई, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो विशेष चीज कुछ और मंत्र हैं इनका उच्चारण करेंगे, उपयोग क्या है वो नहीं बताएंगे। ओ महकू कू मह विमल मह बड़ी मढ़ी में चार देव, कौन कौन अहंकार महंकार मोहम्मदा वीर ताइया सिलार बजाऊं, ख्वाजे मुयुद्दीन तुम्हारी खुशबोई में चढ़ी कमान, सुलेमान परी लंक परी को हुक्म कीजिए, कौन कौन परी स्याह परी सब्ज परी हूर परी, अर्श पुरुष की लावली बीवी फातिमा, कीली झीली आयना पाना फल आय लेना, सवा शेर शरबत का प्याला आप ले आप हाजिर होना, मीर मुहिमुद्दीन मखदूम जहानी या शेख सरफ अहिया पठान आप हाजिर न हो तो रोज कयामत के दामन गिर होगा। फिर से बोल रहा हूं, ओम महकू कुम मह विमल मह बड़ी मड़ी में चार देव, कौन कौन अहंकार महंकार मोहम्मद अजीर ताइया सिलार बजाऊं, वाजे मुझे दिन तुम्हारी खुशबोई में चढ़ी कमान, सुलेमान परी लंक परी को हुक्म कीजिए, कौन कौन परी स्या परी सब्ज परी हूर परी, अर्श कुर्स की लावली बीबी फातिमा, कीली झीली आयना पाना फल आय लेना, सवाशे शरबत का प्याला आप ले आप हाजिर होना, मीर मुहिमुद्दीन मखदूम जहानी या शेख सरफ अहिया पठान आप हाजिर न हो तो रोज कयामत के दाम ही दामनगीर होगा। तो ये है, अब जो है एक और गंडा बांधने का या गड़ा बांधने का मंत्र आपको बता रहा हूं। किसी रोगी को या बच्चे को या किसी को, किसी भी बड़े आदमी को या फिर औरत को, किसी को भी कोई परेशानी रोग होता हो और वो छूटता ना हो, किसी ने कुछ कर दिया हो तो वो उसके काम पे चाहिए। ओम नमो आदेश गुरु को, लड़गड़ी सो मोहम्मद पठान चढ़िया, श्वेत घोड़ा श्वेत पल्ला भूत बांध प्रेत बांध, काचिया मसाण बांध चौसठ जोगिनी बांध, अड़सठ सियाना बांध बांध, बांध रे चौकी त्रिकिनी का पूत बेग बांध, जो तू न बांधे तो अपनी माता की सैया पर पांव धरे, मेरी भक्त गुरु की शक्ति फरो मंत्री ईश्वरो वाचा। ओम नमो आदेश गुरु को, लड़गड़ी से मोहम्मद पठान चढ़िया, श्वेत घोड़ा श्वेत पलाण भूत बांध प्रेत बांध, काचिया मसाण बांध चौसठ जोगिनी बांध, अड़सठ सियाना बांध बांध, बांध रे चौकिनी चौकी तुर्किनी का पूत बेग बांध, जो तू न बांधे तो अपनी माता की शैया पर पांव धरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति प्रो मंत्री ईश्वरो वाचा। अब इसमें सवा रुपए की या सवा किलो मिठाई दीपक को सामने रखकर लोबान की धूनी देना चाहिए तथा रोगी को चोटी से लेकर एरी तक एक सतलड़ा डोरा को नाप कर इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 गांठे लगा देनी चाहिए और फिर उसे रोगी गले में बांध देना चाहिए। इसको धारण करने से भूत प्रेत आदि के या और कोई बीमारी हो या कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की ओपरा हो, ऊपर की बीमारी हो, दूर हो जाती है। अब हम कुछ और मंत्र पढ़ेंगे लेकिन किस लिए है वो नहीं। ओम नमो हाकांत जुगरात
फाटंत काया, जिस कारण जुगुराज में तोको ध्याया। हंकारत जुगुराज आया, घारंत आया, सिर के फूल बखेरत आया, और की चौकी उठावंत आया, आपकी चौकी बैठावंत आया, और का किवार तोड़ता आया, आपका किवार भेड़ता आया। बांध बांध किसको बांध, भूत को बांध, प्रेत को बांध, देव दानव को बांध, उड़ंत गड़ंत योगिनी को बांध, चोर चिरनागर को बांध, 63 कलुआ को बांध, 64 योगिनी को बांध, 52 वीर को बांध, आकाश की परियों को बांध, डाकिनी शादिनी को बांध, चेतक को बांध, छल को बांध, छिद्र को बांध, द्वार को बांध, हट को बांध, गली को बांध, गिरारे को बांध, किया को बांध, कराए को बांध, अपनी को बांध, पराई को बांध, लीली को बांध, पीली को बांध, स्याह को बांध, सफेद को बांध, लाली को बांध, बांध बांध रे गड़गजनी के मुम्मदा पीर, चले तेरे संग 1700 वीर, जो बिसर जाए तो सो राजा, हलाल जाए उल्टी मार, पछाड़ मार, धाड़ मार, कजा चक चढ़ाए, सुड़िया चढ़ाए, शीश खिलाए, शब्द साचा पिंड काचा, गो मंत्रीश्वरो वाचा। ओम नमो आकांत जुगराज फाटंत काया, जिस कारण जुगराज में तो को ध्याया। हंकारत जुगराज आया, घोरंत आया, सिर के फूल बखेरत आया, और की चौकी उठावंत आया, आपकी चौकी बैठावंत आया, और का किवाड़ तोड़ता आया, आपका किवाड़ भेड़ता आया। बांध बांध किसको बांध, भूत को बांध, प्रेत को बांध, देव दानव को बांध, उड़ंत गड़ंत योगिनी को बांध, चोर चिरणागार को बांध, 63 कलुआ को बांध, 64 योगिनी को बांध, 52 वीर को बांध, आकाश की परियों को बांध, डाकिनी शाकिनी को बांध, चेतक को बांध, छल को बांध, छिद्र को बांध, द्वार को बांध, हाट को बांध, गली को बांध, गिरारे को बांध, किया को बांध, किराए कराए को बांध, अपनी को बांध, पराई को बांध, लीली को बांध, पीली को बांध, स्याह को बांध, सफेद को बांध, लाली को बांध, बांध बांध रे गड़गजनी के मोहम्मदा पीर, चले तेरे संग 1700 वीर, जो बिसर जाए तो सो राजा, हलाल जाए उल्टी मार, पछाड़ मार, धाड़ मार, कब्जा चढ़ाए, सुड़िया हलाए, शीश खिलाए, शब्द साचा पिंड काचा, को मंत्री स्वरो बाचा। ये एक मंत्र है। अब एक और मंत्र है, उसका ही मैं उच्चारण कर रहा हूँ, ये भी फारसी नहीं है, लेकिन किस लिए ये नहीं बताएंगे हम। या हे सार सार जिन देव परी, जबर को पार, एक खाई दूसरी गिर्द पसार, गिर्द बगिर्द मलाय का स्वार, दाएं दस्त रखे जिब्राइल, बाएं दस्त रखे मीकाइल, पीठ रखे इसराफील, पेट रखे इजराइल, दस्त चपट सन दस्त रास्त हुसैन, पेशवा मोहम्मद, गिर्द बगिर्द अलीला, इला कोट इल्ला की खाई, हजरत अली की चौकी बैठी, मोहम्मद रसूल इल्ला की दुहाई। या सार सार जिन देव परी, जबर कुफार, एक खाई दूसरी गिर्द पसार, गिर्द बगिर्द मलायक अस्वार, दाएं दस्त रखे जिब्राइल, बाएं दस्त रखे मिकाइल, पीठ रखे इसराफील, पेट रखे इसराइल, दस्त चपट संदस्त रास्त हुसैन, पेशवा मोहम्मद, गिर्द बगिर्द अलीला, इला कोट इल्ला की खाई, हजरत अली की चौकी बैठी, मोहम्मद रसूलिल्लाह की दुहाई। या सार सार जिन देव परी, जबर कुफार, एक खाई दूसरी गिर्द पसार, गिर्द बगिर्द मलायक सवार, दाएं दस्त रखे जिब्राइल, बाएं दस्त रखे मिकाइल, पीठ रखे इसराफील, पेट रखे इजराइल, दस्त चपट सन दस्त रास्त हुसैन, पेशवा मोहम्मद, गिर्द बगिर्द अलीला, इला कोट इल्ला की खाई, हजरत अली की चौकी बैठी, मोहम्मद रसूलिल्लाह की दुहाई। या सार सार जिन देव परी, जबर कुफार, एक खाई दूसरी गिर्द पसार, गिर्द बगिर्द मलायक सवार, दाएं दस्त रखे इब्राहिल, बाएं दस्त रखे मिकाइल, पीठ रखे इसराफील, पेट रखे इजराइल, दस्त चपट सन दस्त रास्त हुसैन, पेशवा मोहम्मद, गिर्द बगिर्द अलीला, इला कोट इल्ला की खाई, हजरत अली की चौकी बैठी, मोहम्मद रसूल इल्ला की दुआई। ये फारसी के कुछ बहुत उपयोगी मंत्र थे, इस्लामी तंत्र शास्त्रों में आते हैं। अब इसमें तो बहुत है, बहुत कुछ है इस्लामी तंत्र शास्त्रों में, मारण, वशीकरण और मोहन, शत्रुनाश, सब प्रकार के प्रयोग रहते हैं, लेकिन हमें उपयोगी लगे, काम के लगे, हमने आपके सामने यहाँ उच्चारण किए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।
जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुछ और मंत्र उच्चारण करते हैं ये काम के। सलामुन कौलुन मिनर विर्रहीम तंजीकुल अजीजुर्रहीम। सलामुन कौलुन मिनर विर्रहीम तंजीकुल अजीजुर्रहीम। सलामुन कौलुन मिनर विर्रहीम तंजीकुल अजीजुर्रहीम। कालू मूंद होए करूं सलाम, मेरी आंखों में सुरमा बसे जो देखे सो पाथन पड़े दुहाई। गौसुलादम दस्तगीर की छू छू छू। बिस्मिल्ला दाना कुल्लू अल्लाह यगाना दिला, सख्त तुम हो दाना हमारे बीच फलाने को करो दीवाना। अल्लाहु सम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आलाए ई मोहम्मद बारक वसल्लम। या अल्लाह फलाने मेरे बनकर। अब इसमें जो मुख्य चीजें हैं वो साहब के मंत्र हैं, मोहम्मद अफीब के हैं। हाजिराती सुलेमानी ये सब चीजें हैं, तो उनमें ज्यादा गहरा घोषणा या ज्यादा गहरा जाना तो बहुत ये गहरी विद्या है, बिल्कुल सनातन धर्म के संस्थापक की तरह से है। लेकिन जब दाढ़ का दर्द हो, दाढ़ के दर्द के मंत्र का मैं यहाँ पर बता दूंगा कि आपको किस तरीके से दाढ़ का दर्द दूर करने का मंत्र है। या वासी तो हाँ, तो दाढ़ के दर्द के दूर को दूर करने का जो वो है उसको आप उपयोग कर सकते हैं। नमो कामरु देश कामक्षा देवी, जहां बसे इस्माइल योगी, इस्माइल योगी ने पाली गाय। नित उठ वन में चरावन जाए, वन में चरे रूखा सूखा घास, खाए पी के गोबर किया। जा से निपजा कीड़ा सा, सू सुताला पूछ पुछाला, धड़ पीला मुंह काला। डाढ़ दांत गाल है मसूड़ा पीड़ा करे, तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्री ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लोहे की 3 किलो को काठ पर यानी लकड़ी पर ठोक देने से डाढ़ का दर्द दूर होता है। तो ये डाढ़ के दर्द का मंत्र था। शालम कुत्वालम जेर करो दुश्मन, दफे करो जाला। शालम कुत्वालम जेर करो दुश्मन, दफे करो जाले। शालम कुत्वालम जेर करो दुश्मन, दफे करो जाले। शालम कुत्वालम जेर करो दुश्मन, दफे करो जाले। जल की जोगनी पाताल का नाग, उठा वार यहां लगाऊं दौड़, तहां दौड़ के मार। दौड़ कर दुहाई मोहम्मद पीर की, तुर्कनी पूत की दुहाई। भोला चक्रशी को फुरो मंत्री शुरू वाचा। जल की जोगनी पाताल का नाग, उठा बार जहां लगाऊं तहां दौड़ के मार। दौड़ कर दुहाई मोहम्मद पीर की, तुर्कनी के पूत की दुहाई। भोला चक्रशी को फुरो मंत्री शुरू वाचा। जल की जोगनी पाताल का नाग, उठा बार जहां लगाऊं तहां दौड़ के मार। दौड़ कर दुहाई मोहम्मद वीर की, तुर्कनी के पुत की दुहाई। भोला चक्रशी को फुरो मंत्री शुरू बच्चा। इस प्रकार के कुछ उपयोगी मंत्र हैं और इसमें बहुत से मतलब जितना सनातन धर्म में है कुछ उतना कुछ उससे अलग हटके या इसमें भी
इसको ऐसा अपने किसी अच्छे फकीर से, सिद्ध फकीर से मिल करके जान लेना चाहिए और उनसे पूरा ज्ञान इसका प्राप्त करना चाहिए, उनका लाभ लेना चाहिए। तो इसको हम यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इल्म भारत के इस भाग दो में आज आप देखिए हमारे साथ महाभारत के भौतिक साक्ष्य अर्जुन के अनुसार कुंतलपुर कुतवा मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित इस फिल्म को देखिए और वह स्थान देखिए जिसे दुर्वासा मुनि की तपस्थली और कुंती का शिव मंदिर यहाँ स्थापित है, यहाँ पूरा शिव परिवार स्थापित है, यहाँ पर कुंती ने भगवान शिव की पूजा की, उसके ठीक नीचे आसन नदी स्थापित बहती है और उसी आसन नदी में यहाँ पर सूर्य का दक्षिण तरह मंत्र के आह्वान से सूर्य देव आए, कर्ण का जन्म हुआ। ये वही जगह है, ये वही शिव मंदिर है जो आप देख रहे हैं, ये इस पर पूरी थी। और वह जगह देखिए जहाँ पर सूर्य के घोड़ों के टापों के निशान आज तक चट्टानों पर जो के जो मौजूद आए हैं वो सभी निशान हम दिखाएंगे। और जहाँ पर स्वयं सूर्य के पग चिन्ह भी मौजूद है वह स्थान भी हम आपको दिखाएंगे। फिल्म भारत के इस भाग में कुंतलपुर यानी कुतवार मुरैना जिला मध्य प्रदेश की वो दुर्लभ जगहों को आप देखेंगे, वह शिवलिंग देखेंगे, वह शिव मंदिर देखेंगे, वह स्थान देखेंगे जहाँ पर कुंती पूजा करती थी, यहाँ पर दुर्वासा मुनि ने कुंती
धरती को मंत्र दिए थे और उन मंत्रों के आह्वान से देवता प्रकट होते थे, वह जगह जहां पर वह आसन नदी जहां पर सूर्य का रथ भी उतरा और कर्ण की उत्पत्ति की वह जगह देखेंगे आप, तो वैर छपे हुए भगवान सूर्य के चट्टानों में और सूर्य के जो घोड़ों के कांपों के निशान है वह साक्षात चट्टानों में आप देखेंगे, जो कि बनाए नहीं जा सकते, जो कि स्वयं प्राकृतिक है वो स्वयं निशान ही बोलेंगे, जिनको किसी भी टाकी हथौड़े से या छेनी से पत्थर निकाला नहीं जा सकता। सब आप देखेंगे मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है, दोनों गांवों के बीच में बसैया कुतवार के बगल में वह शिव मंदिर है, वहाँ का ही मैं जन्मभूमि है मेरी, वहीं का निवासी हूँ। इस बार मैं दोनों गांव में आने से आया हूँ, वह जगह दिखाएंगे चंबल के पीड़ों में, एक हमारे संत बहुत कमजोर पीड़ों में पार करते हुए उनके पैर थोड़ा चोट आ गई है, जब से बिन्ने बुला ले तब से हम जो आ गए, हम यहाँ तक पहुंचे, इन घनघोर चंबल के पीड़ों में घूमते हुए बहुत गहराई में तराशते हुए इस दुर्गम और बीहड़ी इलाके में जहाँ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पांडव उन्होंने पूजा की, माँ हर सिद्धि की, जहाँ की कुंती रहने वाली थी, महाराजा कुंती भोज की नगरी और जिनका महारानी कुंती का असल नाम प्रथा था, जिससे वे पार्थ कहे जाते थे, भारत कहे जाते थे, उस जगह को देखिए आप हमारे साथ कुछ दिन के तीसरे बाद।